प्रभु तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं। धरती और आकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। इन सभी तीर्थों के राजा हैं तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग में ऋषिवर भरद्वाज जी के यहाँ भगवान विश्राम किए। भरद्वाज जी महाराज ने अपने सौभाग्य की सराहना की, प्रभु आज हमारा तीर्थराज प्रयाग बास सफल हुआ क्योंकि यहाँ बसने से ही आपका दर्शन हुआ। तीर्थ उसको कहते हैं जो तार देता है, तारयेत इति तीर्थ। जो तार देता है वो तीर्थ है। राम नाम भी तार देता है, इसलिए उसका नाम तारक नाम है। अनेक मंत्र हैं, राम नाम तारक मंत्र है, जो गाएगा उत्तर जाएगा। कृष्ण नाम तारक नाम है, जो गाएगा वो तरेगा। जितने भी तीर्थ हैं धरा धाम पर, वहां केवल वास मिल जाए जीव तर जाता है। भरद्वाज जी ने एक बड़ी अद्भुत बात कही, प्रभु कर्म वचन मन छाड़ छल जब लग जनन तुम्हारा तब लग सुख सपने हो नहीं किए कोटि उपचार। कर्म से, करनी से, वाणी से, मन से, छल छोड़कर जब तक जीव आपका न हो जाए। कर्म से क्या है, कर्म वो करें जो राम जी को प्रिय हो। वाणी वह कहे जो राम जी को प्रिय हो। मन वो सोचे जो प्रभु को प्रिय हो। तीनों की प्रियता किस लिए, अतः हम राम जी के जन हैं। केवट जी का भगवान को और कुछ अच्छा नहीं लगा। सुन के वट के बे क्या अच्छा लगा, बैन अच्छे लगे, बैन माने बचन। अरे ऐसा क्या वेद मंत्र बोल दिया भाई केवट जी ने, क्या बोला, एहि प्रतिपालमु सब परिवार। किसी नाव से परिवार पालता हूं, जो प्रभु पार अवसिगा नाथ उतराई चहु मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साखी बरु तीर मारहु लखन पै जब लगिन पाय पखारी हूं तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपाल पार। सुन के वट के बे,
ऐसी क्या बोली? बनाया नहीं, हृदय में कुछ, जिह्वा पर कुछ, कान में कुछ, आंख में कुछ, केवट ने अपनी बात को बनाया नहीं, जो साहब खुला खुला कह दिया। अच्छा लगे तब तुम सोचो, बुरा लगे तब तुम सोचो, हमने तो जो कहना था कह दिया। जो निर्मल होता है वो कहने के साथ, कहने के बाद नहीं सोचता, जिसको सुनाई पड़ता है फिर वो सोचता है। और ये सदैव स्मरण रखिए, निर्मल व्यक्ति के जिह्वा से ही निर्मल वचन निकलते हैं। जिसका जीवन निर्मल नहीं है, जिसका चिंतन निर्मल नहीं है, जिसका असन निर्मल नहीं है, जिसका व्यसन निर्मल नहीं है, निर्मल नहीं बोलेगा। व्यक्ति वो बोलता है जो वो होता है। अच्छा व्यक्ति बुरा नहीं बोल सकता, और ठीक उसका अपोजिट बुरे व्यक्ति से अच्छे शब्द की कल्पना भी न करे। अरे यहां तक होता है ना, कोई बोलता है आप उसको सुनाइए तो बोलेगा अच्छा उन्होंने कहा ना, ऐसा ही बोलते हैं, उनका स्वभाव है ऐसा है, बोलते ही। अच्छा व्यक्ति बुरा नहीं बोल सकता, बुरा व्यक्ति अच्छा नहीं बोल सकता, जो भगवान का है वो किसी को कुछ नहीं बोल सकता। आपने सुंदरकांड पढ़ा होगा, रावण ने श्री विभीषण जी महाराज को 3 बार लात मारी, 1 लात नहीं मारी, पहली क्यों मारी? जो उपदेश दिया उसके लिए 1 लात मारी। मेरा खाकर मुझे उपदेश दे रहा है इसके लिए 2 मारी। तीसरी, जब तुम्हारा उपदेश मानवी है तो हमारी संस्कृति में क्यों पल बढ़ रहा, उधर चला जा है? मां भवानी ने बाबा से पूछा, ये आपका जो चेला है ये बार बार लात मारता है और विभीषण जी बार बार आग्रह करते हैं। तब बोले बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही, उमा संत कही यही बड़ाई, मंद करत जो करही भलाई, मंद करत फिर बोले विभीषण जी भलाई, तुम पितु सरी सभले ही महिमारा, पितु सरी सभले ही महिमारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, राम राम भजे हित नाथ तुम्हारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। आप ज्येष्ठ भ्राता हैं, पितृतुल्य हैं, पिता तुल्य हैं आप, आपने मारा सो भला किया, लेकिन सिद्धांत सत्य यही है कि राम जी के भजन करने में ही आपका हित है, हित माने मंगल है।